ऐसी कौन सी चीज़ें जो करने में ब्लैक लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बोलते हैं ना थोड़ा संभालना पड़ता है इलीगल इशूज़ की वजह से, बट अगर आप वो कर रहे हो और आपने ढंग से किया बिना उस प्रोडक्ट को अब्यूज़ किए तो चांस है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितना ज़्यादा आपको बेचने का मन करे उससे आपको मन करेगा उस चीज़ को खुद यूज़ करने का? नहीं, मैं स्टील इंडस्ट्री में पेटेड 19 साल की लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रग्स की। तो आज हम करने वाले हैं वही चीज़, क्योंकि हमारा घर पूरी तरह से जल चुका है और हम भाग के एक दूसरे शहर में आए जहाँ पे हमको जीरो से स्टार्ट करना है, तो हम जीरो से स्टार्ट करने के लिए ड्रग्स बेचने वाले। जी नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम वेक, आपका बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो कृपया आपके वहाँ पर जो लोकल ट्रेन होंगी जिसके अंदर लोग फोटो लगाते हैं ना, अरे बाबा अजमेरी खान वगैरह, आपके जो सोल्यूशन है सजाने वाला बाबा, उसके जो छोटे छोटे पोस्टर होते हैं उसको निकाल दीजिएगा, उसकी जगह मेरे पोस्टर लगाएगा और उसमें लिखेगा अगर आपको एक अच्छी जिंदगी और बेहतरीन लाइफ एडवाइस चाहिए तो लाइफ चेंजिंग एडवाइस के लिए सब्सक्राइब टू वेक। इसी में चलेगा नाम बढ़ेगा, धन्यवाद। हाँ, स्पॉन होता है हमारे ब्रांड न्यू अपार्टमेंट में जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी पार्किंग स्पेस और लैग दोनों आपको साथ में मिलेगा। जो ब्रूसी टट्टेश्वर स्टेरॉइड वाला बंदा है उसको हमारे बारे में बात पता चलती है और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, आई गेस उसके पास वो बताया कहते हैं ऑल ब्रॉन नो ब्रेन वो है, बट उसके पास इमोशनल सपोर्ट भी है, तो बहुत ज्यादा सही बात है कि वो टट्टेश्वर के जैसे नहीं है। हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे आपको नॉट ओनली ड्रग डीलर और ब्लैक लोग मिलेंगे बट उसको खराब ड्राइवर्स मिलेंगे, सो वी गॉट बी केयरफुल, बट स्टिल हमको जीरो से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। मैलरी हमको मिला थी एक बंदे से जिसका नाम है मैनी। नाउ ये बंदा स्ट्रीट्स पे एक डॉक्यूमेंट बना रहा है कि स्ट्रीट्स कितने ज़्यादा हार्ड है ब्लैक लोगों के लिए वगैरह वगैरह, उस टाइप का डॉक्यूमेंट्री क्या होता है डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा सही है वो। और मैलरी हमको उससे मिलाती है एंड शी इज़ लाइक ब्रो इसे कुछ काम में मदद करने दो। मैलरी यहाँ पे एज अ डांसर काम करते हैं, तो अब हमको समझ में आता है कि रोमन से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और लड़कियाँ भी एक्चुअली दो जॉब चला सकती है और अपना घर भी चला सकती है। पहली ऐसी लड़की रहेगी जिसने एक्चुअली कुछ अच्छा किया पूरी GTA सीरीज में, यार क्या बात है। हमको और पता चला कि नीको को कैमरा नहीं पसंद क्योंकि उसके मुँह पे कैमरा उसको तोड़ देता है और वो बोलता है कि चलो हमें ड्रग डीलर्स को पकड़ना है। नाउ ड्रग डील मतलब GTA San Andreas हमको याद आता है क्योंकि ड्रग डील गैंगस्टर ब्लैक लोग वही याद आता है, तो हम एक लो राइडर चलाते हैं। और मैं अभी भी बिलीव नहीं करता कि मेरा पूरा बचपन बोलते ना बेसिकली GTA San Andreas में क्या है, लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि बोलते ना मेरा बचपन लो राइडर्स में ग्रो स्ट्रीट के होमीज के साथ ड्राइव बाइस करते हुए गया, जब मैं रेडियो लॉस सांटोस पे वेस्ट कोस्ट के रैप सॉन्ग सुना था, एंड इट इज डेफिनेटली अ बेटर बचपन देन आजकल के बच्चे लोग जिन लोगों का बचपन इंस्टाग्राम के रील्स बनाते हुए गया, स्क्रॉल भी नहीं करते बोसड़ी के बनाते रील अश्लील कहीं के, सस्ता 50 सेंट आता अपनी गाड़ी में बैठते और हमको उसका पीछा करना है। नाउ मेरे को ये मिशन जो है वो बहुत ज्यादा बोरिंग और स्लो लगते हैं जहाँ पे आपको लोगों को फॉलो करने वगैरह होता है, इट इज़ वेरी अनोइंग आपको किसी को फॉलो करना। लाइक ऑन फुट रियल लाइफ में फॉलो करने में अलग मजा है, बट ये उतना मजेदार नहीं है यार, एकदम स्लो गाड़ी में जा रहा है, एकदम स्लो जा रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, एकदम आराम से जा रहा है। ना पुराने GTA गेम्स में स्पूकोमीटर नाम की एक चीज़ होती थी जहाँ पे आपको पता चलता था कि आप कितना डिस्टेंस पे हो, बट इस गेम में वो भी नहीं है, तो आपको खुद गेस करना पड़ेगा कि आप उसके नजदीक हो या दूर हो, जो अगेन नॉट एग्जैक्टली वेरी वेरी गुड। मेरे को कुछ औरतें दिखते हैं और मेरे को देखना था कि उन लोग गाड़ी में चलेंगे क्या, जब मैनी मेरे साथ बैठा है तो मैं उनको हॉर्न मार रहा रहता हूँ, फॉर सम रीजन वो 2 किलोमीटर दूर जो बोसड़ी वाला गाड़ी लगा के बैठा था उसको सुनता है वो हॉर्न और वो डर जाता है। मैनी मेरे को रस्ते के बीचों बीच छोड़ देता है और भाग जाता है, लाइक एक्चुअल में रस्ते के बीचों बीच छोड़ देता है। एटलीस्ट कैब तो बोला साले यू ब्लैकी, राउंड टू में बोर हो जाता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से बोलता है ना बहुत जंदा लंबा था और बहुत बोरिंग था, इसलिए मैं जाके आगे जाके देखता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। नाउ GTA गेम्स में अगर आपका जो इस बंदे को फॉलो कर रहे हो वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है आगे, एंड श्योर इनफ कुछ गड़बड़ थी आगे। दो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और एक दूसरे पे हॉर्न मार रहे हैं क्योंकि उन लोग को रास्ता क्लियर नहीं कर रहा। नाउ क्या तरीका है इन लोग से बोलते ना इनको दूर भगाने का, इनको पंच मारना नहीं नहीं, बंदूक दिखाना नहीं नहीं, बेसबॉल बैट से किसी रैंडम बंदे को ऐसे मारने की एक्टिंग करना, तो उन लोग फट जाती है और उन लोग अपने अपने रास्ते जल्दी जाएंगे, जो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हम फिर से लो राइडर में बैठते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिवर्स में क्यों जा रहा हूँ क्योंकि वेल मुझे बोर हो रहा है, बोर होने के टाइम पे उल्टा जाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, आई गेस इसीलिए अश्लील फिल्म वाले जो मर्द है वो पोजीशन बार बार चेंज करते रहते हैं, नॉट बिकॉज उनको कैमरा के लिए चाहिए बट बिकॉज उन लोग उस लड़के से बोर हो चुके हैं, बिकॉज शी लुक्स एब्सोल्युटली अगली। हम उसको वहाँ पे फॉलो करते हैं और फिर पता चलता है 50 सेंट नहीं है, बेसिकली कान्ये वेस्ट का और भी ब्लैकर वर्जन है और वो अंदर जा रहे हैं और हम लोग ये सस्ते कान्ये वेस्ट को मारने जाने वाले हैं। मैं डोर बंद है इसलिए मैं विंडो को तोड़ता हूँ, अंदर जाता हूँ, जितने भी लोग उनको मारता हूँ उनके एम्यूनिशन है उसको लेता हूँ क्योंकि इस शहर में एम्यूनिशन इज मोर एक्सपेंसिव देन टू होर्स, लाइक बेसिकली आप कामातीपुरा में जितने पैसे में थ्रीसम करोगे उतने पैसे में आपको 9 mm की 7 गोलियां मिलेगी। मैनी सारा क्रेडिट ले लेता है स्ट्रीट को साफ करने का, जो इट्स ओके आई एम फाइन विद इट, अगर तो क्रेडिट ले रहा है ठीक है, मेरे को कैमरा फोबिक हूँ, नीको कैमरा फोबिक है तो उसको बताना क्रेडिट की जरूरत नहीं, हमको पैसे ज्यादा पसंद है, लेकिन ये भिकार चोट साला पैसे भी नहीं देता। फिर मेरे को रियल कि स्ट्रीट बहुत ज्यादा एम्प्टी है और वो रियल लाइफ को रेप्लिकेट कर रही है, लाइक आई नो रात का टाइम है और रियल लाइफ को रेप्लिकेट करना है, बट एट दिस पॉइंट जितना ये खाली है ऐसा लग रहा है मेरी रियल लाइफ नहीं है, मेरी लव लाइफ है बेसिकली। हम वापस आते हैं और मैंने किसी पुलिस ऑफिसर से शूटिंग कर रहा है जो बहुत ज्यादा सैड है, बिकॉज जब हम लोग गेम खेलते थे GTA San Andreas वगैरह तो वहाँ पे हम लोग पुलिस वालों के साथ रोल नहीं करते, गैंग्स डोंट लाइक वन टाइमर्स, हम लोग को बिल्कुल
पसंद नहीं है, बट आई गेस टाइम बदल गया, हमको भी इवॉल्व करना चाहिए। मैंने चाहता मैं कुछ गैंगस्टर्स को किल करूँ ताकि बोल देना स्ट्रीट साफ हो जाए, एंड मेरे को आइडिया नहीं है ये बोल देना डॉक्यूमेंट्री बना रहा है या फिर ये पीयू ने कि हमारे बड़ा साफ करना है। बट एनीवे मैं जाता हूँ एक टैक्सी ढूंढने। टैक्सी ढूंढने के बाद एक बंदी मेरे को उड़ा देती है, तो मैं उसको शांति से बोलता हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम संभाल के रहिएगा, ऐसा हरकत ना करेगा, कुछ लोग आपको बोल देना पोलाइटली लेंगे नहीं इस बात को। मैं टैक्सी ढूंढते मेरे को दिखता है ये स्लोप, लाइक मेरे को कभी स्लोप एक्चुअली समझा नहीं, लाइक हु द फक क्रिएट्स अ स्लोप। ठीक है स्लोप बना है, ठीक है स्लोप पे सिग्नल कौन लगाता है यार, लाइक सीधर पे गाड़ी रुकेगी तो ऐसी नीचे स्लाइड डाउन होने वाली है जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन में स्टॉक मार्केट। जब तक मेरे को टैक्सी मिलती है फिर मेरे को पता चलता है मैं साला इलाके के बाजू में जहाँ पे गैंगस्टर है, तो मेरे साथ हुआ एक बहुत बड़ा स्कैम। ऑल्सो मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी है। हम जाते हैं गैंग को मारते हैं, कोई बंदा गाड़ी में भागता तो हम गैंग के सारे लोग को मारते हैं, पुलिस वाले को मारते हैं, पुलिस की गाड़ी लेते हैं बिकॉज डेफिनेटली पुलिस की गाड़ी से कोई हमको ट्रैक नहीं कर पाएगा, और हम जाके इस पुलिस की गाड़ी के साथ उस गैंगस्टर को मारते हैं एंड हमको मिलते हैं पूरे के पूरे $1,100 जो बहुत अच्छी बात है। फाइनली हमको कुछ पैसे मिल रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा जरूरत होगी इन पैसों की। मैलरी कहती है कि उसके कुछ और दोस्त जिससे हम मिलना चाहते हैं, तो हम जाते हैं उसके अपार्टमेंट में, और उस बंदी का नाम है एलिजाबेटा। नाउ इसका इंग्लिश बोला था एलिजाबेटा प्रॉपर, बोलते ब्लैक बंदी का नाम है, वो मैलरी को स्पैंक करते, तो आई डिडंट नो मैलरी लेस्बियन भी है, बट एनीवे हम लोग इससे भी बात करेंगे। एलिजाबेटा हमको बोलती है टफ गाय तेरे को इस बिजनेस के बारे में क्या पता है, एंड आई एम लाइक ब्रो मुझे प्रोटेक्शन के बारे में पता है, तेरे को क्या चाहिए वो जरूर जल्दी बताना। निको साले तू क्या है, तू गनमैन है या कॉन्डम है, प्रोटेक्शन के बारे में पता है? और फिर वो बोलती है कि एक पर्टिकुलर डील है जो ऐसा देख के लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, एंड आई एम लाइक ओके इजी हो जाएगा। वो कहते कि इतना एकदम आसान नहीं है, तो स्ट्रीट पे मैनी के साथ टाइम पास करने वाला डील नहीं है। मैं बोलता हूँ नहीं ज्यादा इजी है, क्योंकि उस भड़वे को मेरे को सुनना नहीं पड़ेगा, और वो क्योंकि वो क्रेडिट भी नहीं देता पैसे भी नहीं देते। निको का सेंस ऑफ ह्यूमर इन लोग को पकड़ लेता है और इन लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है उस बात से। तो अगेन मोरल ऑफ द स्टोरी, अच्छे अच्छे जोक मारो तो लड़की ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी। एलिजाबेटा बोलती है कि देख जिस बंदे से पैकी नाम का जो बंदा है टकला वो बाय करने वाला है, वो हम उनको बोलते ना भरोसा नहीं करते कभी, बट हमको थोड़ा एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के लिए कोई तो कवर के लिए चाहिए, तो तू पैकी के साथ चले जा। एंड आई एम लाइक ओके श्योर, एज लॉन्ग एज वी गेट द मनी आई एम गोना डू एनीथिंग वी वांट। मैलरी कहते हैं मिशेल को कॉल करना, अगेन मैंने मिशेल को बहुत टाइम से कॉल नहीं किया तो हम बाद में कर लेंगे। और पैकी बोलता है कि इस बिल्डिंग के रूफ पे हमने रखा है एक स्नाइपर राइफल। नाउ अगेन बहुत ज़्यादा क्लीन और हाइजीनिक बिल्डिंग है, किसी चीज हमारा भी घर इस बिल्डिंग में होता अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छी बिल्डिंग है, आई एम वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ इट। और फिर मैं रूफ पे जाता हूं, दरवाजा खोलता हूं और सामने स्नाइपर रखी है, लाइक बोसड़ी के थोड़ा छुपाने का एफर्ट तो ले, किधर तो छुपा सामने का रखा उसने। मैं स्नाइपर लेके स्पॉट पे बैठता हूं, मैं डेफिनेटली अपने टाइम को एंजॉय कर रहा हूं। एंड डेफिनेटली डील गोज रॉन्ग, मतलब डील में फिर से एम्बुश हो गया। लिबर्टी सिटी के ड्रग डील्स की सक्सेस रेट अभी भी 0% है। एनीवे हम लोग सारे लोग को मार देते हैं जो भागने वाले थे, उनको भी मारते हैं और पैकी भाग जाता है, और हमको मिलते हैं पूरे के पूरे $1,600 जो बहुत ज्यादा अच्छी अमाउंट है। हमें पार्टी में जाते हैं और एलिजाबेटा यहाँ पे नाच रही है किसी एशियन लड़की के साथ। नाउ आई एम लाइक ओके वाओ दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम। अब यो एशियन लड़की अपने जो वेल पिछवाड़ा है वो एलिजाबेटा के सामने हिलाने लगती है, एंड नाउ आई एम कंफ्यूज कि इसके बंदी के पास आगे कौन सा पुर्जा है। एनीवे शी इज लाइक हे, ये बंदा पता है, ये बंदे का नाम है जॉनी क्लेबिट्स। नाउ जो लोग जानते हैं GTA 5 खेला है, अनफॉर्चुनेटली जॉनी क्लेबिट्स नहीं रहे, बट अभी फिलहाल इज लाइक उसके पास एक बहुत ज़्यादा ड्रग्स का बहुत बड़ा माल है जो हमको बेचने का है। नाउ अगेन ड्रग डील तो हमेशा बोलते हैं ना प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए हम लोग उसका मदद करने के लिए हाँ बोलते हैं। जॉनी कहता है वो मेरे को स्पॉट पे मिलेगा, तो अगेन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मर्द रहेंगे तो डील्स एकदम ईजीली होनी चाहिए, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। फिर वो बोलती है ये बंदा जिसका नाम है प्लेबॉय जो एक रेनबो हुडी में है, जो एक ब्लैक बंदा है, एंड आई एम लाइक प्लेबॉय एक्स एंड लिल नास एक्स है, यार ये रेनबो हुडी क्यों पहनी तूने? एंड इज लाइक ड्रग्स डील बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, हम दो लोग जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं प्लेबॉय एक्स को टैक्सी में लेके जाता हूँ, क्योंकि किसी अमीर बंदे को इम्प्रेस करने का यही बेस्ट तरीका है, और उसको अपने अमीर दिखाने का भी यही बेस्ट तरीका है। हम बिल्डिंग एंटर करते हैं और सामने एक शॉटगन पड़ी है, डेफिनेटली नॉट सस्पिशियस। हम आते हैं, फिर हमारे साथ ये होता है। Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come on, let's get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! तो ड्रग डील गोज रॉन्ग अगेन, हम वापस बहुत सारे पुलिस वाले को मारते हैं, हम प्लेबॉय को लेके एस्केप करते हैं जो बाइक पे चढ़ते हेलमेट लगाता है और इमीडिएटली बैकटेन से शूट करने लग जाता है। ये पहला ऐसा बंदा रहेगा जो बैकटेन से शूट करता है, और इसको बैलेंस भी अच्छा है, कितनी सही बात है, पहला बंदा है जिसने एक्चुअली बोलते ना एफर्ट लिया है। बट हमें को इवेंचुअली रियलाइज होता है कि बाइक हमारे लिए नहीं बनी है, हमको बेटर रहेगा कि हम एक टैक्सी लेके चले जाए, क्योंकि मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट है।
मैं इसको अच्छा दोस्त बना लेता हूँ बिकॉज वेल इसका बैलेंस भी अच्छा है, उसको शूट करना था एंड डिसाइड कि सीन्स में ड्रग गेम में मुझे थोड़ा फ्रेश और अच्छा दिखना चाहिए और मेरे को 80 साल का रशियन अंकल नहीं दिखना है। सेफ टू से मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न और परफेक्ट दिखता हूँ, बहुत ज्यादा सही दिख रहा हूँ विद माई स्वेट शर्ट एंड व्हाइट स्नीकर्स। ऑल्सो मैंने ब्लैक जींस खरीदी। मिशेल का कॉल आता है, वो बोलते तू एलिजाबेथ के साथ काम कर रहा है वो ड्रग्स वगैरह में, आर यू श्योर तू ड्रग्स की दुनिया में नहीं जा रहा है, प्लीज अपना ध्यान रखने को, और ऐसा केयरिंग लविंग हाउस वाइफ हमको कभी मिली नहीं रहेगी। आई थिंक मैं इससे और दिन ब दिन और इसके प्यार में गिरते जा रहा हूँ। मैं फट से अपने ईमेल को चेक करता हूँ क्योंकि इस जमाने में सोशल मीडिया एडिक्शन मतलब ईमेल्स को चेक करना था, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना नहीं। और मैं जाके मिलता हूँ ब्रूसी वगैरह से जिन लोग एक्चुअली कुछ तो काम कर रहे हैं, मैं उनको पूछता हूँ एक्जैक्टली कर क्या रहे एंड देन लाइक हम तेरा डेटिंग प्रोफाइल सेट करें। बहुत अच्छी बात है यार, मतलब मेरे पास ऑलरेडी मिशेल हाउस वाइफ है, मेरे को जरूरत नहीं है। एंड देर लाइक नो नॉट स्ट्रेट डेटिंग प्रोफाइल। अपेरेंटली बंदा जिसका नाम है फ्रेंच टॉम जो नॉट स्ट्रेट डेटिंग करते हैं उसको हमको मारना है, तो उसको हम डेट पे बुला के मारेंगे। एंड या अगर आप सोच रहे हो कि हमारी रातें इतनी ग्लूमी और ग्रे क्यों है, इट्स बिकॉज हम लोग को अभी अश्लीन हरकत है वो भी एक नॉट स्ट्रेट बंदे के साथ करनी पड़ेगी। मैं कपड़े चेंज करता हूँ रशियन में और फिर मेरे को एक बंदा मिलता है जिसको कोई ड्रील में मदद चाहिए, तो हम उसको जाकर डील में मदद करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उस डील में मारा गया। मैं एक्चुअली ग्लैड हूँ कि मैं चार वीडियो तक अभी तक मरा नहीं और फाइनली जाके अभी मरा। मैं इस बात से भी ग्लैड हूँ कि मैं मरा क्योंकि मैं हॉस्पिटल के पास पहुंचता हूँ और ये आई थिंक ओनली GTA गेम है जहाँ पे एक एंटरेबल हॉस्पिटल मिलता है, जहाँ पे हॉस्पिटल का इंटीरियर वगैरह भी मिलता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है देखने को। और बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि आगे की गेम में कैरी नहीं हुआ, बट आई होप कि GTA 6 में जल्दी आ जाए। मैं रशियन की तरह ड्रेस करता हूँ, मैं मिशेल को एक गाड़ी में पिक करता हूँ ताकि हम डेट पर चले जाए और वो सीधा मेरे फैमिली के पूछ सकते कि क्या रोमन गैम्बलिंग करता है, उसको संभालना पड़ेगा, तू क्या करता है, तू अश्लील हरकतें कर रहा है क्या। इतनी केयरिंग हाउस वाइफ मेरे पूरे फैमिली के बारे में सोचने वाली, मैंने सोच नहीं थी मैं पुल करूंगा और मैं इसको लेकर जाता हूँ क्लकिन बेल में बिकॉज चिकन इज द ओनली वे वी कैन एक्चुअली बर्न। मैं उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहला टेस्ट रखता हूँ कि उसके सामने बर्गर खाऊंगा क्या वो कुछ बोलेगी, और वो कुछ नहीं बोलती। मतलब ये लड़की कड़वा चौथ का रत रह सकती है, मतलब ये हमारी बीवी बन सकती है, बट हमको और इंपॉर्टेंट टेस्ट करने पड़ेंगे। मैं बाथरूम में जाता हूँ और वो बाहर नहीं रुकती, वो अंदर आती है, वो अंदर आके मुझे मदद करना चाहती है। कौन सी ऐसी लड़की आपको मिलेगी जो बाथरूम में आपके साथ देगी, जो आपको प्रोटेक्ट करेगी? और मैं जेंट्स बाथरूम नहीं, मैं लेडीज बाथरूम में घुसा हूँ, तो मेरे को प्रोटेक्शन के लिए वो भी अंदर घुसी सबको बताने के लिए कि अरे नहीं ये मेरे साथ है, वो ब्लेम लेना चाहती है। ऐसी हाउस वाइफ हमको मिलना बहुत मुश्किल है, तो आई थिंक मैं इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक आई फाउंड ट्रू लव। मैं उसके घर पर जाता हूँ, स्मैश 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 स्मैश, जिसके मैं ऑडियो आपको सुनाऊंगा नहीं, और एंड फाइनली गेट द वेल डिजर्व्ड 8 hours स्लीप। हम निकलते हैं और एक बंदा ब्लैक बंदा कुछ कॉफी पी रहा था शाम को, तो हम उसका कॉफी गिरा देते हैं एंड इज लाइक यू वांट टू फक विद मी और व्हाट, तो मैं उसके सामने ही खड़ा रहता हूँ और उसको छोटा सा धक्का देता हूँ। पुलिस वाला वो देखता नहीं है एंड देन द ब्लैक गाय मेरे को धक्का देता है और पुलिस वाला उसको इमीडिएटली अरेस्ट करता है। हाउ टू यूज रेसिज्म अगेंस्ट द ब्लैक पीपल। आई नो कि मैं एक रशियन इमिग्रेंट हूँ इस गेम में और बंदा ब्लैक है, तो दोनों में किसको चूज करना मुश्किल होगा, बट ब्रो वो ब्लैक है, डेफिनेटली पुलिस वाला उसी को चूज करेगा। कोई पुलिस की गाड़ी आई तो नहीं थी अभी तक, बट सडनली पुलिस की गाड़ी शो अप करती है और उसके बैकअप के अंदर वो ब्लैक बंदे को अरेस्ट करने वाले हैं। नाउ मैं सोच रहा था कि ये दो ही पुलिस वाले आगे बैठे हैं, उन लोग उस बंदे को लेके जाएंगे, बट नहीं, मैं गलत था। जब ये बंदा बैठता है तो ये जो दूसरा पुलिस वाला जो उसको अरेस्ट कर रहा था वो भी गाड़ी में बैठता है। एंड आई एम सॉरी ब्लैक गाय, बट टुडे यू आर लूजिंग समथिंग, उसको क्या बोलते हैं, योर चेरी इज गोना गेट पॉप, या चलने का अंदाज बदलने वाला है किसी का। आज मैं एशियन बंदी की गाड़ी चलाता हूँ जिसके वजह से मैं अरेस्ट हो जाता हूँ, यानी कि मेरे सारे वेपन गायब हो जाते हैं, विच वॉज अ वेरी बैड डिसीजन फ्रॉम माई साइड। बट हम जाते हैं और मैं नहीं बोलता है ब्रो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ जहाँ पे मैं स्ट्रीट्स को बोलते ना क्लीन करना चाहता था और इस बंदे में नॉट स्ट्रेट ट्रांसेक्शुअल टाइप लिखा है, तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, वेल जिस बंदे से उसने उधारी ली थी बहुत टाइम पहले उसको हम लोग मारेंगे। नाउ मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया लाइफ आई मीन मतलब गेम में, तो मैंने ट्रेन को कभी फॉलो नहीं किया, तो मिशन में फेल कर देता हूँ। बट मैं किसी को एक बार फॉलो करने से हारता हूँ तो दूसरी बार मैं डेफिनेटली उनको प्रॉपरली फॉलो करता हूँ, डेफिनेटली उनको स्टॉक करके मार देता हूँ। मैं मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर देता हूँ। लोगों को स्टॉक करके मारने के यानी कि मेरे स्ट्रेंथ्स को एक्ट करने के मेरे को मिलते हैं $1600 एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम फाइनली एक प्रॉपर ड्रगिस्ट बन चुके हैं, हम ड्रग गेम में बहुत ज़्यादा अंदर घुस चुके हैं और हम एन वर्ड बन चुके हैं यहाँ पे भी। लाइक फॉर सम रीज़न हम जब भी निवेटिव सीट में आते हैं हम एन वर्ड बन जाते हैं। बट एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके वीडियो बहुत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मैं आपको बोलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने काम पे लगे रहे। पीस आउट।